हमको चिंता हो रही है वगैरह, दो ही लोग आए अभी। गाइस कैन यू हियर अस, कैन यू सी अस, हाय तैयब, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप। आई एम गुड ब्रदर, हाउ आर यू? बढ़िया चल बढ़िया रहा है। तैयब का, आप देख सकते हो स्ट्रीमिंग सेटअप बेटर होते जा रहा है। मैं तैयब को स्पॉटलाइट पर डालता हूँ, और अरे यार स्पॉटलाइट, हाँ ये गुड रहा, थिंग्स आर कमिंग, थोड़ा वेट ये करना देखो पड़ेगा बस। अराइवल का उरर लगाया हुआ है। सही है बाकी सही हाँ, है। सब चंगा सी, एटलीस्ट हाँ मेरे एंड से तो। तैयब खुद का यूट्यूब चैनल चालू कर रहा है गाइस, ग्रीन स्क्रीन ले लिया, बताओ क्या है। अच्छा चैनल ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ कंटेंट पहले बना लें, उसके बाद में अनाउंस देखते हैं क्या होता हाँ है। बाकी आज हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले एक हैं। बंदे का आज कमेंट हम आया है, पॉज द ऑफिस फॉर दिस। सब छोड़ छाड़ के आ गए लोग। हेलो वैभव एंड बहुत स्पेसमैन। ज्यादा हाई प्रेज मिल रही है आजकल, लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा शायद, बट हाँ फिर भी ट्राई करेंगे भाई, जान लगाएंगे, ऐसी बात नहीं। सही है तो आज हम तैयब, बात करने आज वाले थे, हाँ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करना चाहते हैं। तो तैयब सबसे पहले बताइए, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, क्या आप बात करना चाहते हैं इसके बारे में और क्यों? मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ काफी बात कर ली थी फिजिक्स की। आई बिलीव हमने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी टच किया था, तो थोड़ा बायोलॉजी मिसिंग लग रहा था और कुछ तो बात करनी ही चाहिए। और हाँ, जैसे वैभव मेरे को पहले ही बता रहा था कि आई एम एन इंजीनियर, तो मैं बायोलॉजी को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हूँ तो वो आज दिख जाएगा। तो ओके इतने ज़्यादा मतलब मेरे को डिटेल में नहीं पता, बट हाँ व्हाट इज एवोल्यूशन, व्हाई इज एवोल्यूशन, और उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी सोच पे, एंड गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर क्या चीज़ें होने वाली हैं, एटलीस्ट एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं हमारी, उस बारे में बात कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो ठीक मेरे है। से वो एक फाइलम और साइंटिफिक टर्म्स की एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं आपको बता पाऊँ। आपके दादाजी कौन थे वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैं एक बार क्विकली चेक कर लेता हूँ, सारे ग्रुप्स में चला गया, बताना मेरा व्हाट्सएप तो नहीं दिख रहा ना, वन सेकेंड, हाँ नहीं दिख रहा अब। हाँ कूल, लेट्स स्पेस शेयर मैन, दिस, हाँ लेट्स शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स गो टू क्रोम। ठीक है, अब हम करेंगे सबसे पहले सर चार्ल्स डार्विन, यही करना है ना भाई, कुछ और करना हाँ तो बता दे। मतलब वही है कि एज ऑलवेज ऐसे कि स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग होना चाहिए, बिगिनिंग हाँ फ्रॉम द स्टार्ट होना चाहिए। तो 2 मिनट के लिए पॉज देते हैं। हमको सबको पता है चार्ल्स डार्विन ही है असली बंदा, लेकिन इससे पहले एक और बंदा आया था, ठीक है, लेबुस्की और समथिंग लाइक दैट, उसका नाम मेरे को ठीक से नहीं पता। तो वो मोटा मोटा बंदा यही बात करता था, काइंड ऑफ जो उसने देखा या जाना वो यही था कि पेरेंट्स जैसे होते हैं बच्चे ऑलमोस्ट वैसे ही होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ बिफोर ऑल दिस इवोल्यूशन थ्योरी और क्रिए जो अपनी दूसरी थ्योरी चली रही है साथ में, क्रिएशनिस्ट रिलीजन वाली जो जो थ्योरी है, ये बीच में नया बंदा आया एकदम से और हाँ इसने बातचीत चालू करी और इसने बताया कि किड्स आर लाइक देयर पेरेंट्स, तो वहाँ से इसने बात स्टार्ट की। लेकिन ये थोड़ा सा काइंड ऑफ अब आज के टाइम पे हमको पता है कि ये गलत था, तो ये गलत ट्रैक पे चले गए। इसने फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश करी, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो जिराफ हाँ है। अब जिराफ, देर आर मेनी जिराफ्स इन द जंगल, राइट? तो जो हाँ जिराफ एक्चुअली ट्राई करेगा सबसे ऊपर वाली स्टेम से लीफ खाने का, उसका बच्चा भी वही बिहेवियर लेके पैदा होगा, ठीक हाँ है? तो इसकी इसकी जो खुद की थ्योरी थी बंदे की, नॉट चार्ल्स डार्विन, द अदर पर्सन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो ये बोलता था कि जैसे आप कर्म करोगे जिंदगी में आपके बच्चे को उसी का लाभ मिलेगा, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। लेकिन फिर जैसे जैसे हमने थोड़ा बहुत जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा और चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी देना स्टार्ट करी, तो हमको समझ में आया कि वॉट एवर अ पर्सन डज इन देयर लाइफ, उसका उसके बच्चों के जेनेटिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि द मोमेंट यू आर बॉर्न आपके जो जर्म सेल्स कैसे होंगे वो फिक्स हो चुका है। तो आप जिंदगी में कितनी ही बॉडी बना लो या कितनी ही पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, वो इफेक्ट नहीं करेगा आपकी पर यार आगे वो फ्यूचर तो बोलते हैं जनरेशन। ना कि जो जैसे लाइक अफ्रीकन्स हो गए, जो हो गए जैसे बेटर एथलीट्स होते हैं, इंडियंस लाइक उतने कभी फास्ट रनर्स नहीं हो सकते, वो तो जीन्स वाली बात ही है ना। हाँ तो वो जीन्स वाली बात है, बट वो वैसे वाली बात नहीं, दैट यू डूइंग समथिंग विल इफेक्ट योर विल इफेक्ट द जेनेटिक्स ऑफ योर चिल्ड्रन। अ कम्युनिटी डूइंग समथिंग ऑल टुगेदर मे रिजल्ट इन समथिंग फेवरेबल। अभी हम आगे बात करेंगे कि थ्योरी एवोल्यूशन है क्या, यही सारे मिसकंसेप्शन हमको थोड़े से लाइट डालनी पड़ेगी इनके ऊपर, और बात ठीक करते है हैं।
मैं नहीं देख रहा इसके अंदर तो इज इट ओके मेरे को जो जूम का स्क्रीन दिख रहा है उसमें आई एम नॉट विजिबल हाँ बट आई तू डोंट नो। स्क्रीन तू 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 यूट्यूब पे देख ठीक रहा है है, ठीक ठीक है। बढ़ना। तो अब अपन कोच ढूंढते हैं सबसे, ऐसे थोड़ा अब अपन चार्ल्स वॉर्म। डार्विन की बात करते हैं। तो चार्ल्स हाँ डार्विन बंदा जो था ये मतलब वो ये साइंटिस्ट साइंटिस्ट टाइप बंदा था, बायोलॉजिस्ट था, नेचुरलिस्ट बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इसने यही चीज़ें ऑब्जर्व करी और फिर साथ में इसने बोला कि आई ट्रैवल द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसने अपनी शिप उठाई और ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग द वर्ल्ड और इसने बहुत सारे स्पेसिमेंस और मतलब मरी हुई या जिंदा एनिमल्स वगैरह सबको कंपेयर करा, सबको कंपाइल करा और फिर इसने अपना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देना चालू करा। बट ऑब्वियसली स्टार्टिंग के अंदर जो अपना चर्च था या जो भी रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने अपोज करा इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका जो बताने का तरीका वो एकदम ही अलग है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो इसको पता लगा कि एक और बंदा है जो कि साइड बाय साइड यही थ्योरी पे काम कर रहा है और फिर ये थोड़ा काइंड ऑफ डर गया कि यार वो बंदा सारा क्रेडिट ले जाएगा। तो इसने फिर फाइनली कदम उठाया कि चलो पब्लिश करते हैं। क्या नाम था उस बंदे का? यार मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, चार्ल्स डार्विन के साथ में एक और कॉम्पिटिटर बंदा डाले था क्या? चार्ल्स डार्विन कॉन्फिडेंट। कॉम्पिटिटर ये है क्या? वाई हाँ डज हाँ वॉलेस, हाँ यही था यही था क्या? यही था। ठीक है, तो इन इन दोनों ने ही स्टार्टिंग की जो जो पहला जो एवोल्यूशन वाला जो पेपर आया था वो इन दोनों ने मिल के लिखा था मतलब। ठीक है, उसके बाद में अपना डार्विन जो बंदा था इसने थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट था, इसके पास कंटेंट था, तो इसने एक किताब लिख दी जो कि आज भी सॉर्ट ऑफ बाइबल मानी जाती है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सबको पता है उस किताब के बारे में, हाँ मोमेंट या यू एक सर्च बार फॉर चार्ल्स डार्विन हाँ आपको वो किताब ही मिलेगी। दैट वॉज द ओरिजिन। टर्निंग पॉइंट। ये इसने कब लिखी थी? 1859 लिखा हुआ है, 1809 हाँ में वो पैदा हुआ और 1890s में ही डाइड, तो इन बिटवीन तो दैट ऑफ 1859 की है ये, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और पब्लिश्ड इज अ वर्क ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर बाय चार्ल्स डार्विन, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। डार्विन्स बुक इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक थ्योरी दैट पॉपुलेशन इवॉल्व ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन। ये वही चीज़ है ना कि एग्जैक्टली। बैक्टीरिया से कुछ बने, उससे कुछ बने, फिर लाइक वो ज़मीन पे आए, ज़मीन पे आने के बाद हम अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं। वही वही हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, वो नेचुरल सिलेक्शन में आएगा थोड़ा बहुत। हाँ तो इस बंदे ने एक किताब लिखी, इस किताब के अंदर काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया गया और ये पहली ऐसा डॉक्यूमेंट था जहाँ पे आप प्रॉपरली फॉलो कर सकते थे व्हाई इज एवोल्यूशन हैपनिंग, और उसके सबूत वगैरह भी इसने पेश करने की कोशिश करी यूजिंग फॉसिल्स और यूजिंग जो भी इसका लॉजिक था उस हिसाब से। मेरे को वो याद आ रहा है, मैंने कुछ स्ट्रीम्स पहले देखा था मेंटोस का, वो ऐड याद है तेरे को? दद्दू, कौन सा? अरे एवोल्यूशन के अच्छा, ऊपर हाँ, दैट वन। है। ओ भाई वो इतना तेरे को साउंड सुनाई दे रही है? नहीं दी शायद तेरे को, नहीं ना, मैंने वो शायद शेयर नहीं किया था तेरे साथ। कंप्यूटर साउंड अब देगी सुनाई। हाँ अब बता दे रही है क्या? दद्दू तो ऐसे ही चलाए मैंने देखा था, काफ़ी किया यार इसमें। मतलब जैसे वो मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, जब कपड़े जलते हैं तो ये ऐसे, मतलब जो पूरा एक किसका 50 सेकंड में जो एवोल्यूशन दिखाई है। हाँ, काफी फॉलो करा गया इन्होंने। हाँ और एक कितने इस पे 1 मिलियन व्यूज है, मतलब काफ़ी क्रिएटिव एक्ट था ये। कमिंग बैक टू द बोरिंग स्टफ गाइस, कमिंग बैक टू द नॉट सो बोरिंग स्टफ। ठीक है, इसको बनाते हैं अपन थोड़ा इंटरेस्टिंग। तो ठीक, इंटरेस्टिंग बनाओ यार। हाँ ये इंटरेस्टिंग बंदे को विलन मान मुझे लूँ क्या मैं? ये वही है नहीं, क्या नहीं नहीं टेस्ला वर्सेस नहीं एडिसन? नहीं 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 बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये दोनों के दोनों सॉर्ट ऑफ सेम टाइम पे सेम बात कहना चाह रहे थे, बट तो अब एक कमेंट आ दोनों के गया, मैंने दोनों तेरे को टाइप। कहा था प्रत्युष का, हैव यू रेड सेपियंस?
ओहो, अरे ये सही जो है, फाइनली सही शाओ सही में है, आपको फाइनली। मिल अब क्या नाम है इसका, गई, शाओ में वो मोबाइल फोन वाला? वाला, शाओ में गुस्से ओ, में अभी गुस्से में क्यों है यार, वो, इतने गुस्से इसको में छोड़ क्यों के है आनंद, एक सेकंड होल्ड करना प्लीज, ठीक है। अरे दिखा ले। ओके तैयब अभी शाओमी को छोड़ने गए हैं, एंड ये तैयब को हम खाली अराइवल का पोस्टर देखेंगे तब तक। शाओमी ओपी आ गया गाइस, शाओमी ओपी यार मेरे साथ ज़्यादा डॉबी नहीं है, अगर हमें पता था ये BYOD होने वाला है, ब्रिंग योर जी ओन BYOP, ब्रिंग योर ओन पेट्स, काफ़ी कूल यार, ये प्लान था नहीं यार नहीं नहीं ये मैंने जब से लाइट लगाई है उसको पता हाँ नहीं क्या है, इस पे कूदने का मन करता रहता अच्छा है। तो काफी सही है। हम जो बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा ह्यूमंस वाले पार्ट पे बाद में कूदना है, तो अभी हाँ बाद में बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। सेपियंस के बारे में बाद में आएंगे गाइस। हाँ हाँ, जो भी तूने वीडियो दिखाया था उसमें एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, तो उस बारे में याद दिलाना, डिस्कस करेंगे, ठीक हाँ है। तो इन दोनों ने, और मेजरली अपना डार्विन ही है बंदा जिसने फैक्ट्स बताए, जिसने मतलब पूरा प्रोसेस समझाया। फिर हमारे पास में एक बार थ्योरी आ गई तो ऑब्वियसली बहुत लोग इसको मना करते थे, क्योंकि आपके पास पहले से ही बना बनाया एक कोई डॉक्ट्रिन है जो आप हजारों सालों से फॉलो कर रहे हो, और एक दिन नया बंदा आके आपको कुछ बताएगा तो आप उसको नहीं मानो, क्योंकि मेरे पापा कुछ और मानते थे तो मैं क्यों नया मानूं। वो वाला सीन चलता रहा काफ़ी टाइम तक। इस बंदे को बहुत टॉर्चर भी किया गया, बहुत परेशान किया गया, लेकिन आज धीरे धीरे एज मोर पीपल फाउंड मोर एविडेंसेस, तो फिर ये चीज़ क्लियर है, मतलब हमको स्कूल में सिखाई जाती है, तो इससे बड़ा एविडेंस हो नहीं सकता, ठीक है। अरे भाई उसके बाद जकी आए कमेंट्स में, सही क्या बात कर, क्या बात, आज तुम्हारा जकी ही आने वाला। जकी भाई मजा आ जाएगा जो स्ट्रीम ज्वाइन कर लेगा तो, लिटरली आता ही है जकी कमेंट आया, कैन वी टॉक अबाउट पोकेमोन एवोल्यूशन मे बी वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है, उस मैं बारे में बात करें। रिगार्डलेस, मैं हाँ रिगार्डलेस, मैंने एक बार मैंने व्हाट्सएप बंद किया है, रिगार्डलेस उसको ना वो भेज देता हूँ, मैं स्ट्रीम लिंक भेज देता हूँ, जकी को आना हो तो आ जाए उसको जूम का लिंक भेज देते हैं, आई होप। हाँ दिख नहीं रहा मैं, हाँ अब वापस मेन स्ट्रीम पे जाते हैं। हाँ कंटिन्यू, देखिए बकचोदी चलेगी पूरे में, तो तेरे को देख, पढ़ा दोबारा रहा। तेरा व्हाट्सएप मत चलाना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंटेंट ऐसा दिख गया जाता अरे है नहीं वो जो। तूने देखा है, वो यूट्यूब पे नहीं देखा है। अच्छा, हाँ फिर इट इज फाइन, वो यूट्यूब पे नहीं देखा है। हाँ, कूल। तो कंटिन्यू। हाँ तो हम बात कर रहे थे, हाँ, एवोल्यूशन की। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर बंदे ने जब समझाना चालू करा तो उसने एवोल्यूशन ऐसे समझाया कि उस टाइम पे, मतलब एविडेंस उस टाइम पे हमारे पास आता कुछ था, लेकिन आज के टाइम पे जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, हमारे पास ऐसे माइक्रोस्कोप्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डीएनए तक जा करके इंडिविजुअल्स, मतलब ऑर्गेनिज्म का डीएनए हम पूरा को पूरा खोल सकते हैं और उसको मॉडिफाई काइंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस लेवल पे पहुंचने के बाद में जब हम सेम चीज़ बंदर के साथ में या छिपकली के साथ में या घोड़े के साथ में कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास में जेनेटिकल एविडेंस है कि वी ऑल केम फ्रॉम द सेम बींग, ठीक है। जेनेटिक्स से पहले क्या हो रहा था ना, लोग लोग कोशिश कर रहे थे ऐसे समझाने की, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी मोस्ट मैमल्स हैव टू आईज, ठीक है, और एक एक नाक होती है, एक मुंह होता है, ऐसे दांत होते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक फेमिलियर चीजें होती हैं सबके अंदर, बस थोड़ा रंग चेंज है, शेप चेंज है, बाल वाल आ गए, जो भी है, बट थिंग्स रिमेन द सेम। तो ऐसे प्रूव किया जा रहा था एवोल्यूशन को दैट वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, ऑल मैमल्स केम फ्रॉम वन मैमल, ऐसे वाली बात करते थे। लेकिन अब हम ठोस सबूत जेनेटिक्स के साथ में ये बोल सकते हैं दैट एवरीथिंग केम फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कभी भी कोशिश नहीं करता बताने की दैट हाउ दैट पर्टिकुलर सिंगुलर ऑर्गेनिज्म केम इन टू बीइंग, अभी हम उसकी बात हाँ नहीं कर रहे हैं। वो हमारा एग्जिस्टेंशियल स्ट्रीम होगा। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। दुनिया में जो जान है, जो जिंदगी है, वो वो बाहर से आई है, कॉन्सेप्ट हमने पैदा करी है, भगवान ने डाली है, रैंडम इवेंट था, वट एवर दैट वॉज, वंस दैट हैपन्स उसके बाद एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। वो कितनी छोटी चीज थी जो पहली आई थी, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब कुछ इट्स लाइक सर्च। देर आर हाँ डिफरेंट थ्योरीज, बट द थ्योरी दैट आई मोस्टली बिलीव इन, जो मैं मानता हूँ सही है, जो कि सबके साथ चलती है, दैट इज मोर लाइक नथिंग केम फ्रॉम एनी वेयर, ठीक है। देर वर केमिकल्स ऑन हॉट वाटर गीजर्स, ठीक है, उन हॉट वाटर गीजर्स के ऊपर जो केमिकल्स थे वो रैंडमली चल रहे थे, और जब आप मिलियंस ऑफ ईयर्स और बिलियन ऑफ ईयर्स की बात करते हो
तो रैंडम चीजों में से पैटर्न निकलने लगता है, ठीक है, एंड दैट फेवरेबल पैटर्न स्टार्ट वर्किंग आउट टुगेदर. तो उस पर भी कभी बात करेंगे आराम से, बहुत बहुत कंटेंट है बात करने के लिए उसके ऊपर. तो अभी जंप करते हैं अपन कि वी हैव सम सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हाउ दैट ऑर्गेनिज्म केम इनटू बीइंग, कभी और बात करेंगे. अब एवोल्यूशन के क्या बोलता है ना, कि एवोल्यूशन बोलता है कि देर आर म्यूटेशंस, ठीक है. म्यूटेशंस कैसे हो रहे हैं कि हमारे पास में जो हमारा डीएनए होता है दैट इज ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स इट ब्रेक्स, ठीक है. ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि डीएनए सभी लोग आई होप समझते हैं, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कि वो एक, ये तो मैंने भी रटा था भाई, ऐसे इसे समझना नहीं कहते, ये तो 8 स्टैंडर्ड में मैंने भी रटा था, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड. आरएनए का पता, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तो पढ़े थे क्या. आरएनए क्या होता है, मेरे को डीएनए याद है. आरएनए के या आईपीएल और सीपीएल जैसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आरएनए इज अ मोर प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है. अच्छा, आरएनए इज एक्चुअली, जब हम बात करेंगे ना दैट How did life came into being? तब RNA की जरूरत पड़ेगी. Because from RNA DNA came, ठीक है, तो RNA एक primitive चीज है, पुरानी चीज है. उससे ही start हुआ सब कुछ. बहुत लोगों का comment आ रहा है, talk about primordial soup and the starting of life. ये दो जनों का है. भाई वो वाले चीज के बारे में हम, तू चाहे तो बात कर सकते हैं. वो evolution से इतना related नहीं है. That is more like ये वाली चीज बताना के things. जो कंडीशंस थी उस टाइम पे जिंदगी पैदा करने के लिए, ये वो सूप है, ठीक है. तो ये सूप का मतलब, वाटर के अंदर हमारे पास में ऑल सॉर्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन और सारे केमिकल्स हैं, क्योंकि वो नीचे हमारे पास में हॉट वाटर गीजर्स हैं जो गर्म गर्मियों पर फेंक रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट हलचल हो रही है, और वो हलचल की वजह से थिंग्स आर अटैचिंग, थिंग्स आर डिटैचिंग, निकलता जा रहा है. हाँ, और एकदम से फेवरेबल चीज फॉर्म हुई और दैट, और इस वजह से हम आज अपने रेंट्स पे कर रहे हैं. एग्जैक्टली बोल सकते हो, बिजली का बिल पे कर, ठीक है. तो अभी प्राइमोर्डियल सूप और इस सबके बारे में मे भी कभी और बात करेंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो वील जंप ऑन टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है. फ्रॉम दैट, जैसे तू अगर सर्च मारेगा एवोल्यूशन ट्री या कुछ ऐसा कुछ सर्च, एवोल्यूशन ट्री, हाँ, तो दैट गिव्स सम आइडिया लोगों को. मेरी सर्च में मैंने ईवी टाइप या ईवा ग्रीन दिख गया होगा. सही लगे मेरे को, फर्क नहीं पड़ता. अच्छा देखो, इमेज खोल के दिखाओ ना, कोई रुक यार, ये क्या है, ये तो मुश्किल सा लग रहा है यार. तो ये कुछ, ये आपको ये सब नाम जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझने की जरूरत है कि आपको मोटा मोटा यहाँ से क्या क्या समझ में आ रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू स्टार्ट सीइंग फ्रॉम द लेफ्ट, एटलीस्ट मेरा वाला तो है, बैक्टीरिया सबसे लेफ्ट में, ठीक है. उसके बाद में ग्रीन एल्गे आ रहा है, हॉर्नवॉर्ट्स आ रहा है, फर्न्स आ रहा है, तो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ different species spread out, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, you start seeing things merging down, ठीक है. तो ये फोटो मैंने पहली बार देखी, और भी अलग फोटोज खोल सकते हैं अपन को. तो बेसिक आइडिया इज कि अगर एक ट्री की तरह अपन दुनिया में हर इंसान, सॉरी हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री को देखेंगे, तो दे ऑल कन्वर्ज एंड दे ऑल कन्वर्ज. और ये हमारा लॉजिक सेंस होता है, इस ऑर्गेनिज्म का हमारे पास में कोई सबूत नहीं है, कुछ फॉसिल नहीं है, क्योंकि दिस इज लाइक वेरी वेरी ओल्ड. जो अपन जो सिंगल चीज की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक आइडिया है, ठीक है. तो यहाँ से इमर्ज होते हैं अपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो पहले जब, क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म से हम नई स्पीशीज को लेकर आ रहे हैं, वो खुद एक काफ़ी सिंपलर बींग ऑर्गेनिज्म निकले, दोज वर ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी सिंपलर. उनके ज़्यादा कुछ फंक्शंस थे नहीं, ठीक है, उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं करने को. फिर जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होती गई, तो द मोर थिंग्स वर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और ओनली दोज ऑर्गेनिज्म दैट कुड म्यूटेट अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, घोड़ा जो होता है, उसका फर जो होता है वो इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ प्लेन, एक सिंगुलर कलर क्या होता है, मतलब ठीक है, ब्लैक कलर का घोड़ा, तो पूरा घोड़ा ब्लैक होगा और वाइट होगा, ठीक है. लेकिन ज़ीब्रास हैव स्ट्राइप्स, राइट. अब एवोल्यूशन ये बोलता है कि आपके पास में जो घोड़े हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स अगर अपन बात करेंगे, तो हर तरह का म्यूटेशन हो जाएगा घोड़े के अंदर. सम घोड़े वुड बी हैविंग 5 पैर, सम वुड बी हैविंग 2 पैर, सम वुड बी हैविंग बिल्कुल ही अलग टाइप का फर, सम वुड बी हैविंग नो फर, ठीक है. तो ये म्यूटेशन जो है, ये पहली बात तो ये रैंडम है, ठीक है. ये कोई कंट्रोल नहीं करता है, नॉट द ऑर्गेनिज्म, नॉट द एनवायरनमेंट, दिस हैपेंस रैंडमली. Right. But what happens is once a favorable mutation occurs, तो उसको advantage मिल जाता है अपनी environment के अंदर. तो
तो फॉर सम रीजन ठीक है, एक बार ऐसा घोड़ा पैदा हुआ जिसपे स्ट्राइप्स थी एंड बिकॉज ऑफ दो स्ट्राइप्स, क्योंकि मोस्टली जब हमने अभी साइंस वगैरह पढ़नी चालू करी 50-60 साल से, तो हमको पता लगा कि कुछ जानवर कलर ब्लाइंड होते हैं. नॉट ओनली कलर ब्लाइंड, उनको बहुत ही कम कलर्स दिखते हैं. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग वो ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, बट वो हमारे जितना स्पेक्ट्रम नहीं देख पाते. ठीक है, वॉट एवर दैट रीजन इज. तो शेर वैसा एक जानवर है. ठीक है, अब शेर को क्या है ना, ग्रीन घास के अंदर लाल घोड़ा, सॉरी ब्लैक एंड वाइट वाला जीब्रा, वो भी नहीं दिख रहा. इंसान को तो दिख जाएगा हरी घास के अंदर, पीली घास के अंदर, लेकिन शेर के लिए वो सब सेम कलर है. तो वो फर वाला जैसे ही जीब्रा आया अपने घास के अंदर, तो वो शेर के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल होता. ठीक है, तो वहां से स्टार्ट होता है अपना फेवरेबल एवोल्यूशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, कि अब जो वो जीब्रा था, वो जीब्रा ने स्टार्ट करा, उसके बच्चे भी उसके जैसे ही पैदा होंगे. ठीक है, और डोज कब जीब्रा, जो छोटे जीब्राज हैं, हैव अ मोर सर्वाइवल रेट, क्योंकि जो टाइगर्स हैं, जो लायंस हैं, वो नॉर्मल वाले जीब्रा, नॉर्मल वाले घोड़ों को ज़्यादा पकड़ेंगे, मारेंगे, और इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी. ठीक है, और इतनी बढ़ती जाएगी कि दे स्टार्ट बीइंग अ डिफरेंट स्पीशीज. मतलब इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर ये हो सकता है कि एक जीब्रा एंड अ हॉर्स कैन मेट, मे बी दे स्टिल कैन, आई डोंट नो वो सेम स्पीशीज है या अलग, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो अ मोमेंट कम्स वेयर स्पीशी नई निकलती है, तो ये प्रोसेस है नई स्पीशी निकलने का. लाइक फॉर एग्जांपल, अभी तो शायद सर्च मारेगा, डार्विन बर्ड्स, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एफ से नाम है उस बर्ड का, हाँ फिंचेस, फिंचेस, हाँ इसका नाम है फिंचेस, फिंचेस ये लिखा हुआ है ना, नीचे लिखा हुआ है ये वाले मीडियम ग्राउंड, ओके, जो पहला विकिपीडिया जो आ रहा है. हाँ हाँ, मतलब ये कोई एक स्पेशल स्पीशी हो गई. अच्छा, तो मैं वो खोलता रखूँ, और डार्विन फिंचेस. हाँ हाँ, तो डार्विन ने जब, जो मैंने बताया कि डार्विन ने जो वो ट्रैवल करा था वर्ल्ड को ऑन अ शिप, ठीक है, तो उसने यहाँ पर बहुत अच्छा सबूत निकाला प्रॉपर, कि एक आइलैंड था गैलापागोस, ठीक है, और फॉर सम रीज़न मेनलैंड से उड़ करके कुछ चिड़ियाँ पहली बार उस आइलैंड पे गईं. ठीक है, मे बी शायद तू इसकी इमेजेस सर्च मार ले, डार्विन फिंचेस की. ठीक है, वन सेकेंड. हाँ ठीक है. हाँ, मतलब एक जनरल मैं बर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ. तो ये डार्विन के बताता है कि गैलापागोस के अंदर कुछ लाख साल पहले एक कुछ बंच ऑफ चिड़ियाँ जो थी वो पहली बार, मे बी हवा के झोंके से, मे बी ज़बरदस्ती या जैसे भी, वो पहली बार उधर की तरफ गई. नाउ द मोमेंट दे लैंडेड ऑन दैट आइलैंड, मतलब वो एक आइलैंड नहीं था, दैट इज अ बंच ऑफ आइलैंड्स अराउंड. ठीक है, वो जैसी वहाँ पे उतरी, दे कुड फाइंड नो प्रेडेटर्स, दे कुड फाइंड अबंडेंट फूड, और काफ़ी फेवरेबल, जन्नत जैसी जगह हो गई उनके लिए. तो दे स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग. ठीक है, और मल्टीप्लाई होते होते क्या होता है, द मोमेंट यू स्टार्ट, जो आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चालू करते हो, तो फिर एक टाइम के बाद में वहाँ से कुछ निकलता नहीं है. द मोमेंट यू ईट ऑल द फ्रूट्स, तो वो सीड्स वगैरह इतनी फैली ही नहीं कि दूसरे प्लांट्स उग सकें, तो स्केसिटी हो गई. स्केसिटी के अंदर क्या हुआ कि म्यूटेशंस आर ऑलवेज अकरिंग. ठीक है, वो कभी नहीं रुकता, दे आर ऑलवेज अकरिंग. लाइक राइट नाउ हर जानवर में म्यूटेशन हो रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि उनके अंदर बर्ड्स में म्यूटेशन हो ही रहे थे, तो कुछ बर्ड्स के अंदर ऐसा निकला कि उनकी बीक पतली और लंबी हुई, और कुछ बर्ड्स के अंदर ऐसा उनकी बीक मोटी और छोटी हुई. ठीक है, ये फैक्ट है. ठीक है, ये मैं स्टोरी के जैसे बता रहा हूँ, लेकिन ये स्टोरी नहीं है. ठीक है, तो हमारे पास में क्या पता चला कि वो जो बर्ड जिनकी बीक पतली और लंबी थी, दे कुड ईट द वर्म्स वेरी इजीली. ठीक है, तो वो वर्म्स ईट कर रही हैं, तो जब उनको कुछ खाने को मिल रहा है, तो दे आर हैप्पी, तो दे कैन रिप्रोड्यूस इवन मोर, तो उनके बच्चे उनके जैसे ही होंगे. तो एक जो मेन स्पीशी उतरी थी आइलैंड के ऊपर, उससे अलग एक स्पीशी बन गई अपनी पतली नोज, पतली बीक वाली. वैसे ही क्या हुआ, जो बड़ी बीक वाली थी, बड़ी बीक वाली कुड हैव अ स्ट्रॉन्गर बीक, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्गर बीक दे कुड ब्रेक द नट्स या ब्रेक द सीड्स एंड ईट देम. तो उनका भी पॉपुलेशन बढ़ने लग गया अपने आप, और उनके बच्चों का भी सेम ट्रेट आ गया. ठीक, तो एक टाइम के बाद में ये हुआ कि दे स्टार्टेड बिहेविंग इन अ वे कि वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते थे. ठीक है, इन द इनिशियल टाइम दे कुड, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट क्योंकि लाखों साल निकल गए,
तो दे स्टार्टेड बिहेविंग इन अ वे कि वो उसी को फॉलो करते थे, वो उसी को फॉलो करते थे, लंबी बीक वाले के साथ ही करते थे, और वो स्पीशी बन गई. एक बार जब स्पीशी बन जाती है दूसरी, तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं होता है. ठीक है, तो एक बार उस एक जो सिंगल एंसेस्ट्रल जो बर्ड उतरी थी उससे दो स्पीशीज बनी, वो आपस में नहीं कर सकती थी, वैसे ही और भी कंडीशंस चेंज होती गई, वैसे वैसे बर्ड्स ने अडाप्ट करना चालू करा. तो अभी गैलापागोस आइलैंड के ऊपर इस बर्ड की 15 स्पीशीज हैं. दैट मींस दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ईच अदर, बट हमको पता है कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर था. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि फैक्ट बताते हैं एवोल्यूशन को. यहाँ से हमको समझ में आना चाहिए एवोल्यूशन. काफ़ी कूल यार. तो इससे मेरे को जैसे एक वो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जैसे वो शायद 16 स्पीशीज है, 15-16 या. मेरे दिमाग में वो आ रहा है कि जो जो फर्स्ट लाइफ का जो वो था जिससे सब कुछ चालू हुआ, सो उससे मैमल्स क्या बने, कुछ मैमल्स बने, कुछ बर्ड्स बने, कुछ कुछ बने, वो सब कैसे डिसाइड हुआ? देख वो एनवायरनमेंट के ऊपर था. लाइक अगर मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा, अब यहाँ मैं थोड़ा, मेरे पास एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है, बट थिंग्स विच मेक सेंस टू मी मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली जो जिंदगी थी, जो जो जान थी, वो पानी के अंदर थी, क्योंकि वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा है कि और ऑर्गेनिज्म आए, और फिर वही बर्ड वाला सीन कि जिसकी जैसी एनवायरनमेंट थी वो वैसा उसको अडेप्ट करता चला गया, एंड दोज हु कुड नॉट अडेप्ट दे पेरिश्ड, वो खत्म हो जाते हैं. ठीक है, द मोमेंट अ बर्ड कैन नॉट ईट, इट कैन नॉट सर्वाइव एंड देन इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो खत्म स्पीशीज, कोई मतलब नहीं. तो वहाँ पे उन्होंने अलग अलग पानी के अंदर जो है काफ़ी डीप जा करके और स्पीशीज बनी और चीज़ें बनी. मे बी सम बिकेम हंटर्स, सम बिकेम प्रे, मतलब आप समझ रहे हो जो बात जा रही है. फिर जो हमको स्टोरी पता है वो ये है कि कुछ जो जो किनारे की जो बात होती है, किनारे पे क्या होता है कि कभी टाइड आती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो द वाटर गोज बैक. ठीक है, द मोमेंट द वाटर गोज बैक, तो वो कभी कभी फिश को अपने साथ नहीं लेके जाता. हमने कभी फोटोज वगैरह भी देखी बीच पे, काफ़ी कभी कभी मछली रह जाती है और फिर वो कुछ नहीं कर सकती. ठीक है, तो ये काफ़ी सालों नहीं, लाखों सालों से हो रहा है. ठीक है, तो इन लाखों सालों में देर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि कुछ फिशेज ऐसी थी जिनके फिन्स लंबे थे, है ना, और दोज लंबे फिन्स, दोज लंबे लिम्स काइंड ऑफ अपन बोल सकते हैं उनको, दे कुड हेल्प देम टू रीच अनदर पॉन्ड विच इज़ नॉट वेरी फार अवे, बट स्टिल नॉर्मल फिश वहाँ पे नहीं जा सकती. मतलब मैं बस आपसे विनती करूँगा कि आप इमेजिन करो मेरे साथ साथ. ठीक है, तो देर इज अ फिश इन अ पॉन्ड जो कि सूख गया है, तो द फिश नीड्स टू गो टूवर्ड्स जहाँ पे और पानी है. ठीक है, तो जहाँ पे और पानी है वहाँ तक जाने के लिए उसके पास में लिम्ब्स नहीं है, आप उसके पास फिन्स ही हैं, तो दोज फिन्स नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश द फिश फॉरवर्ड, तो वो फिश वहाँ से वहाँ तक पहुँच गई. तो मान लो कि उस पॉन्ड में अगर 1000 फिश भी थी, तो उनमें से एक ही फिश पहुंची, तो ओनली दैट फिश कुड रिप्रोड्यूस अगेन एंड मेक द बेबीज दैट वर लाइक दैट फिश ओनली, और जो यहाँ थे वो सब मर मर आ गए जो भी था उनका. ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास में कुछ एक ऐसे फिश टाइप एनिमल्स आए, दोज हु कुड सर्वाइव समवॉट ऑन द लैंड, और फिर वो आगे पानी की तलाश में जा सकते. और फिर आप इसी स्टोरी को आगे बढ़ा दो कुछ लाख साल और, कि फिर वो वाला कुआं भी सूख गया, तो फिर उसके बाद में ओनली सम फिश वर एबल टू गो आउटसाइड और थोड़ी नमी वाली जगह में, और मे बी अंडरग्राउंड वो उन्होंने रहना चालू करा, तो दे वर अदर स्पीशीज आल्सो. एक बहुत अच्छा कमेंट आया है प्रांजल त्रिपाठी का, प्रोग्रेसिव नहीं सॉरी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब ये वैसा सा कुछ है क्या? कमेंट्स आ रहे हैं मीटिंग. ओके, सो हाँ मतलब समझ रहा हूँ मैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं. हाँ 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 ठीक है, तो अपने पास में एवोल्यूशन आ गया. अब जैसे तूने बात करी मैमल्स की, तो मैमल्स की जैसे हमने जो पर्टिकुलर जो ट्रेड्स होते हैं, दैट मैमल्स डू नॉट गिव एग्स, मैमल्स गिव बर्थ टू लाइव बेबीज. ठीक है, मैमल्स प्रोड्यूस मिल्क, मैमल्स मैमल्स मतलब पर्टिकुलरली गर्म खून वाले जानवर होते हैं. ठीक है, ये हमको दिख रहा है यहाँ पे कि पुराने मैमल्स जो थे वो काइंड ऑफ लाइक चूहे जैसे हो सकते थे. नहीं, I don't know, तूने क्या सच मारा है? Meteor 65 million year old mother. मैंने जो ancestors किया है, evolution mammal ancestor. ये जैसे ये थोड़ा काम का है.
ये जो डायनासोर है यार। वो एवरी स्पीशी केम फ्रॉम सम अदर स्पीशी, तो वो तो हाँ टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। हाँ अच्छा ठीक है, तो द मैमल्स वर वेरी लो क्लास पहले के जमाने के अंदर, ठीक है, जब तक डायनासोर्स थे, क्योंकि वो डोमिनेंट स्पीशी वही वाली थी। द मोमेंट डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, तो फिर मैमल्स को ऐसी इन्वायरमेंट मिली, फ्री जगह मिली कि घूमने फिरने की, तो दे कुड इवन इवॉल्व मोर एंड गो टू डिफरेंट प्लेसेस, तो तब जा करके हमारी तरफ कहीं एवोल्यूशन बढ़ा है। ठीक हाँ देखना, है, इसमें भी मैमल सबसे नीचे, वहाँ पे डायनासोर है, टर्टल्स भी हैं, वो अलग है, क्रोकोडिलियंस, टर्टल्स, पेट्रोसॉर्स और मतलब इस इमेज को तेरे को लेफ्ट टू राइट पढ़ना पड़ेगा, दिस इज नॉट डाउन टू अप या अप टू डाउन, तो एक कॉमन से निकल रहा है। ठीक है, हाँ, रेप्टाइल और सिनेप्सिडस, ठीक है, दो थे हाँ पहले। यहाँ से ही हम निकले, हमारा जो मैमल्स से पहले का जो स्पीशी थी वो यही थी। अच्छा, और बाकी सबका जो है पेरेंट है, थ्रेड है, वो रेप्टाइल्स है, तो हाँ, बेसिकली इन सबके डायनासोर भी अलग, रेप्टाइल होते हैं, हाँ मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो आप उन। क्योंकि हाँ मतलब बहुत पहले का, अगर बर्ड्स हाँ निक ओके ओके बर्ड्स और डायनासोर्स का पेरेंट सेम है, हाँ बर्ड्स केम डायनासोर। फ्रॉम द डायनासोर, मतलब द ओनली सर्वाइविंग स्पीशी ऑफ डायनासोर्स राइट नाउ इज द बर्ड्स। क्या बर्ड्स आर बात कर रहा एक्चुअली है, डायनासोर्स। फक, हाँ हाँ भाई, चिकन इज बर्ड्स अ आर डायनासोर, एक्चुअली डायनासोर, ये तो काफी माइंड फक हो चिकन गया डायनासोर होता है, हम डायनासोर खाते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। मेरा। ओके क्रोकोडाइल, अरे बोलते ना कॉकरोच, वो वॉली वगैरह में भी देखा है, कॉकरोच हमेशा सरवाइव कर जाता है उसका। कॉकरोच इंसेक्ट वाली चीज़ एक ऐसी है कि वो हार्श से हार्श एनवायरनमेंट में भी रह सकती है, मतलब गंदे से गंदी जगह में भी रह लेगा, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, और ख़राब से ख़राब चीज़ भी खा लेगा, उसको कोई एक्सपायरी डेट की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दे आर वेरी हार्ड टू किल एनिमल्स, तो इसलिए वो सर्वाइव करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें इंसेक्ट्स क्यों नहीं दिखाया इन्होंने? होगा इसमें इंसेक्ट्स है, इसमें इंसेक्ट्स अपन को पहचानना पड़ेगा। पहचानना पड़ेगा, सही कह रहा है, सही कह रहा है। तो इसमें देख सब आ गए, पानी वाले आ गए, अपने वो हाँ रेप्टाइल आ गए, और लास्ट में मैमल है। सो मैमल आ गया। मैमल अब ये जो मैमल मैमल वाला पार्ट है ना, फिर ये और आगे ब्रांच आउट होगा, तो इसमें सारे हाँ, मैमल्स आएंगे, कुत्ता बिल्ली घोड़ा, और फिर हम भी आएंगे। व्हाट इज अ मैमल, सर्च करते हैं, मैमल में कौन कौन आते हैं? मैमल्स आर वर्टिब्रे, अरे यार ये टर्म्स बड़े कंफ्यूजिंग लगते थे, इसलिए मेरे नंबर नहीं आते थे इसमें। वर्टिब्रे इजी है, पढ़ते ही मेरे वर्टिब्रे है, को, हाँ रीढ़ की हड्डी भाई, क्या दिक्कत है, हाँ नहीं, स्पाइन है, एक होते हैं वर्टिब्रे और एक होते हैं जिनके वर्टिब्रे नहीं होती। इनवर्टिब्रे हाँ इनवर्टिब्रे कौन से होते हैं? जो मैमल स्नेक्स, नहीं है। एवरीथिंग। एक तू क्या, तो मतलब जो भी मैमल नहीं, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं नहीं, होती। मैमल्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वर्टिब्रे, हाँ ऑल दूसरे के पास भी, स्नेक के पास ही वर्टिब्रे है ही। हाँ ओके, तो मैमल्स में मैं वो कह रहा हूँ, हमारे ही अपने होमोसेपियंस के अलावा क्या क्या होता है, तो टाइप्स देख ले ना, जो ऑफ जो जानवर मैमल। अंडा नहीं देता है वो सब मैमल में ही तो आता है। हाँ अच्छा बैट्स, बैट्स भी मैमल है, बियर्स, जो भी अंडा नहीं इवन देता है डॉल्फिन्स वो। एंड ऑल, बंदर वगैरह हो गए इसके अंदर, घोड़ा नहीं वो तो हो ऑब्वियस गया वाले हो आपका, गए, मैं वो कुत्ता बिल्ली हो कंफ्यूजिंग गया, वाले कंफ्यूजिंग पूछ रहा हूँ, ये है ना देख, थ्री वाले। तो फिर कुछ कुछ मैमल्स ऐसे हैं कि जो जो ठीक से बैठते ही नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर। जैसे एक वो होता है अच्छा डक बिल्ड प्लाटिपस, वो अंडा देता है लेकिन दूध पिलाता अच्छा है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अंडे वाला क्या सीन है, एक बार अंडे की भी हिस्ट्री के बारे में, वेयर डिड द एग कम फ्रॉम, अंडे का भी पता कर लेते हैं ये बिट। हाँ अंडर केम फ्रॉम द फिशेस वाला पार्ट, ठीक है, तो जब पहले के ज़माने में जब सब सारे जानवर जमीन वाले जो हैं वो पानी से आए हैं, तो पानी वाले जानवर जब अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करते थे, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने होते थे पहले, और आज भी अगर आपको सर्वाइव करना है वाइल्ड के अंदर, तो फिश जिसका साइज एक नॉर्मल साइज है, उसको अगर बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं, तो उसको अपनी बॉडी से बाहर बच्चे रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो एग वाला सीन केम अबाउट, और वो एग वाला सीन केम अबाउट कि वो जेली जैसे अंडे होते थे, दे वर सेमी पेरेबल, क्या बोलते हैं, तो परमिएबल, हाँ परमेबल, ओशियन वाटर उसमें से आ जा सकता था, गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो वहाँ से फिश के बच्चे वगैरह निकल के आए, अंडे वंडे, और फिर एज सून एज थिंग्स या ऑर्गेनिजम्स केम टू द लैंड, तो उनको ऐसे एग शेल की जरूरत पड़ी जो कि थोड़ा हार्ड था, जो ऐसे मतलब अगर धूप में रख दो तो सूख नहीं जाए अंडा पूरा का पूरा,
या कोई चीज अंदर नहीं चली जाए, तो ये सब चीजें रैंडमली हुई हैं, ठीक है। इसको थोड़ा समझना और ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल है कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें रैंडमली कैसे हो जाती हैं, बट वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये बिलियंस ऑफ इयर्स में हुआ है, ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि रैंडम इवेंट्स रोज होते हैं, बस वो फेवरेबल होना चाहिए और उसको एनवायरमेंट मिलना चाहिए। ये रोडेंट भी होते हैं, ये जैसे अपने रोडेंट अपने सारे चूहे गिलहरी वगैरह सब हो गए, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को ये है कि मेरे को तो एक वो भी क्वेश्चन आ रहा है कि एवोल्यूशन से हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब चल ये नहीं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस नहीं पूछा, फ्यूचर में तो बात कर ही सकते हैं, मैं भी थोड़ी देर में बात करते हैं अभी, पहले एक बार यहाँ पे अपन थोड़ा टेक्निकल टर्म्स की जो बात कर रहे थे, म्यूटेशंस और अपना नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे थे अपन। हाँ हाँ एक बार बता, आप बोलते हो कि जितनी भी सफाई या जितने भी फैक्ट्स पेस्ट करेंगे दोज आर ऑन अ टाइमलाइन ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स, ठीक है। तो आज अगर मुझे एवोल्यूशन देखना है तो कैसे देखूंगा मैं, तो आप बहुत इजीली प्लांट्स में एवोल्यूशन देख सकते हो, आप बहुत इजीली कुत्ते बिल्ली के अंदर एवोल्यूशन देख सकते हो। लाइक हमको पता है कि कुत्तों की जितनी भी प्रजातियां जितनी भी वो सब इंसान ने बनाई है, बनाई इन द सेंस हमने उसको फेवरेबल बनाया, ठीक है, वी फेवर्ड समथिंग ओवर समथिंग एल्स, तो फिर उसके जो बच्चे पैदा हुए दे वर एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स। अगर हमको छोटे क्यूट वाले पपी पसंद है तो हमने उन्हीं पपीज का रिप्रोडक्शन करवाया, उन्हीं पपीज की पॉपुलेशन बढ़ाई, तो अब वही है दुनिया में हमारे पास। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आज किसी का एक्सीडेंटली ऑरेंज कलर का पपी पैदा हो जाता, ठीक है, म्यूटेशंस हैपन एवरी टाइम, और उस ऑरेंज कलर के पपी को पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो एवरीबडी वुड लाइक टू हैव अ पपी लाइक दैट, तो हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे, तो वो एवोल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, हम जैसे बने हैं बंदर वगैरह जो भी हमारे को पुरानी थ्योरी बताई जाती है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज सिलेक्शन बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। यहाँ पे बात चल रही है आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, तो वो आगे जा करके जब हम जेनेटिक्स के जो है राजा बन चुके हैं ऑलमोस्ट सब, तो हम डेथ जैसे फ्यूचर की बात ही कर लेते हैं, तो हम डिजाइनर बेबीज पे जा रहे हैं। फक ये लाइक मैं टेबल चेयर पे सीधा हो गया ये क्या है ये बताओ मेरे को, ये वाली चीज बात करते हैं थोड़ा सा, शायद हम एवोल्यूशन वाले कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन अरे डर मत अपने ही लोग हैं यार, इनको चिल रहता नहीं, है मैं बस जो प्रॉमिस करता हूँ वही बताना ज्यादा बेटर रहता है। तो, अरे नहीं यार इनको पस, तो रखते हैं साइड में, दिस इज स्टिल एवोल्यूशन ओनली, लेकिन अभी मेजर बात यहाँ पे चल रही है डिजाइनर बेबीज, ठीक है। तो पहले मतलब कुछ साल पहले जो था अराउंड 2-3 decades back हमको ये तो समझ में आ गया था कि ये इंसान का डीएनए, ठीक है, दिस डीएनए इज पास्ड ऑन टू योर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर आज मेरी नीली आंखें हैं और मेरा स्किन कलर ये है और मेरी हाइट और सॉर्ट ऑफ थिंग्स ये है, तो मेरा बच्चा भी ऑलमोस्ट सेम सा हो सकता है, और मे बी दैट बच्चा विल बी मेरी वाइफ के जैसा हो सकता है, ठीक है, यहाँ बात चल रही है। लेकिन कभी कभी रैंडम इवेंट्स भी हो जाते हैं। अब रैंडम इवेंट्स की वजह से क्या होता है, जो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है और दूसरे पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं है, दैट प्रॉपर्टी कम्स इनटू द चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हो कैसे रहा है, तो हम थोड़ा वही माइक्रोस्कोप वगैरह में देखा कि ये क्या रूट कॉज क्या है, व्हाट कॉजेज दिस ब्लू कलर इन माय चाइल्ड्स आई, अगर मेरे और मेरे पार्टनर के था ही नहीं ब्लू कलर, तो आया कहाँ से। तो पहले हमारे पास जवाब नहीं था, लेकिन अब जब हमने थोड़ा बहुत हमारे पास मशीनें वगैरह हमने माइक्रोस्कोप वगैरह सब चीज़ें निकाली, तो हमको पता चला कि जो ह्यूमन डीएनए अगर आप उसको पूरा खोल के देखो तो उसके अंदर एक एक चीज बड़ी डिटर्मिनिस्टिकली डेफिनेटली लिखी हुई है कि आपकी आंखों का कलर क्या होगा, और वही होता है आपकी आंख का कलर, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया, तो अब हम देख सकते हैं कि अगर दो माँ बाप जो हैं या जो दो पार्टनर्स जो हैं उनके जो भी वो पर्टिकुलर जीन होगा आंख के कलर का, अगर वो जाता है और वो बच्चे वाले पार्ट में जाता है, तो वॉट विल डोमिनेट या वॉट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम कर सकते हैं। हाँ। ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली। अब मेरे को कोई बोलता है कि यार मुझे तो मेरे बच्चे का ग्रीन कलर की आंख चाहिए, मेरे को नहीं है, तो क्या करें। अब जब तुम जहां तक पहुंच चुके हो तो उसको चेंज करो, जब तुमको ये पता है कि दैट शुड बी, जैसे डीएनए के अंदर अपने पास में ABCD ऐसे करके अलग अलग अपने पास में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये पता है कि यहाँ पे ए है जिसकी वजह से ये ब्लैक आ रहा है, और मैं यहाँ पे अगर टी कर दूं तो दैट विल बिकम ग्रीन, तो मेरे को बस यही तो दिक्कत है ना कि मुझे वो टी करना नहीं आना, पता था मेरे को वो कैसे होगा,
हाँ तो अब क्या हुआ, काफी साल तक हमारे को पास में कुछ तरीका नहीं था ये करने का, हाँ ठीक है। तो एक कुछ स्टार्टिंग के साइंटिस्ट ने बोला कि आप ऐसा करो, आप डीएनए के आसपास है ना जो आपको फेवरेबल चीज चाहिए वो डाल दो, तो मे बी दैट विल अटैच टू इट, ठीक है। अभी हमको बस पता है कि हो रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू गोइंग इन टू अ लाइब्रेरी और आप उठा करके एक किताब फेंकते हो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो सही रैक पे जाके अटक जाएगी, बहुत ही कम, राइट। लेकिन ये हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम। तो जो स्टार्टिंग में लोगों ने बोला कि आप तो बस डाल दो उसके एग के अंदर जो बच्चा जो एम्ब्रोयो है, हमने शायद इंसानों पे तो ये नहीं करा, एटलीस्ट पब्लिकली तो ये डेटा नहीं है, ठीक है। तो हमने जिस भी जानवर के ऊपर ये ट्राई करा तो उसको एक्चुअली कैंसर हो गया, फक हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि आप ऐसे ही कुछ भी डाल नहीं सकते हो एग के अंदर, उसका कुछ इफेक्ट आएगा। अगर उसकी आँख ग्रीन नहीं हुई ब्लैक से तो वो कहीं और जाके कुछ ना कुछ चेंज करेगा। तो यहाँ पे हमने उसको एक्सपेरिमेंट को रोक दिया कि जब तक हम कुछ डिटर्मिनिस्टिकली नहीं करेंगे हमको ये परस्यू नहीं करना चाहिए। तो अभी अराउंड 10 ईयर्स बैक हमने एक चीज़ डिस्कवर करी जिसका नाम है क्रिस्पर, मे बी यू कुड सर्च इट ऑन द इंटरनेट, CRISPER, क्रिस्पर। क्रिस्पर, लेट्स सर्च इट गाइस, ठीक है। हाँ अगर इसका कोई वीडियो मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो देखने में बड़ा प्यारा लगता है। मैंने नेटफ्लिक्स की बच्चा बच्चे की डॉक्यूमेंट्री हरी आंखें बन जाए क्रिस्पर। ये मैं देख रहा हूँ कौन सा चैनल कुछ भी, खोलूँ। मैंने इनमें से कुछ भी नहीं देखा तो आई डोंट नो, मे बी तो कुछ भी चला सकता है, जीन एडिटिंग एंड बियॉन्ड। The CRISPR-Cas9 system is a tool for cutting DNA at a specifically targeted location. Tool for cutting DNA. हाँ तो ये कटिंग वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बहुत पहले से, जैसे मैंने बताया, हम जूझ रहे थे कि हमको सब कुछ पता है क्या दिक्कत है, क्या चेंज करना है, लेकिन वो उस चीज़ को हटा करके अपनी पसंद की चीज़ डालें कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, हमको पता चला कि हमारा जो DNA है वो हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार टूटता रहता है, अपने आप ही टूटता रहता है, कभी कभी रेडिएशन से, कभी कभी सेल डैमेज से, कभी कोई वायरस आ जाता है वो टूट जाता है। तो द मोमेंट इट ब्रेक्स डाउन तो एक दूसरा हमारे पास में एक प्रोटीन आता है, उस प्रोटीन को आप ऐसे समझो कि एक छोटी सी फैक्ट्री जैसा है गोला सा, ठीक है। वो आएगा और वो टूटे वाले पार्ट पे आएगा, और टूटे वाले पार्ट पे आने के बाद में वो साइड में दूसरा जो हमारे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है DNA का, उसको उठाएगा, उसकी कॉपी करेगा और उसमें डालेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल तू एक किताब लिख रहा है, ठीक है, और तू वो किताब दूसरे किसी और की किताब से कॉपी कर रहा है। तो मान ले अगर तेरी 4 पन्ने फट भी गए तो यू कुड इजीली गो बैक एंड कॉपी दोस 4 पन्ने फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, राइट। तो हम ये समझ चुके थे कि ठीक है यहाँ तक हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम DNA को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि जब वो टूटेगा तो हम क्या करेंगे, उसको ओरिजिनल सैंपल की बजाय हमारा मॉडिफाई किया हुआ सैंपल बताएंगे, तो उस इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल DNA में कॉपी कर देगा। बट स्टिल प्रॉब्लम ये है कि DNA कहाँ से टूटता है वो कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ब्लू से ग्रीन आंख वाली, दैट इज वन सिंगल प्रोटीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल तेरे सामने एक टेक्स्ट फाइल खुली हुई है, उस टेक्स्ट फाइल में सारा DNA का मैटर लिखा हुआ है, ABCD, ऑल द अल्फाबेट्स आर देयर, तो तुझे एक पहली बात तो एक कर्जर चाहिए जो उस पर्टिकुलर जगह पे जाके रुके जहाँ पे तुझे चेंज करना है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो कर्सर तेरे को बनाना पड़ेगा कि हाउ डू यू गेट टू द प्लेस वेयर यू वांट टू मेक द चेंज। तो ये हमारे पास में आया क्रिस्पर। क्रिस्पर क्या है ना, पहले से ही है हमारे पास में, क्रिस्पर इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि यही है जो हमको कोरोना से बचाएगा। आई डोंट नो हम कोरोना बोल सकते हैं कि इस वीडियो में नहीं बोल सकते, बट आई एम टेलिंग यू कोरोना बोल सकते, दवाई इसी से निकलेगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है कि जब भी कोई वायरस का अटैक होता है किसी भी सेल के ऊपर, तो ये उसको चेक करता है वेदर दिस इज फ्रॉम द सेल और दिस केम फ्रॉम अ फॉरेन बॉडी। द मोमेंट इट आइडेंटिफाइज कि ये फॉरेन बॉडी का DNA इंजेक्ट हुआ हमारी सेल के अंदर, उसको काट देगा, ठीक है। तो क्रिस्पर का काम में यही है कि वो काट देता है DNA को। तो अगर हम इस क्रिस्पर को यूज करके अपने ही DNA को काट दें, जहां से हमको काटना है एग्जैक्टली वहां से काट दें, और फिर कॉपी कराएं अपने म्यूटेटेड DNA को उसके अंदर, तो फिर आगे जाकर के जो DNA की कॉपीज बनेंगी वो नए वाले की बनेंगी। अगर थोड़ा सेंस बनाया हो जो मैंने, भाई तो मतलब मैं अपना बच्चा ब्रैड पिट जैसा जा सकता, मतलब एग्जैक्टली तू ब्रैड पिट से भी बेटर बना सकता है। सही है, मतलब मे बी ये वाला वीडियो शायद कुछ पता है अपन, ये देखते हैं गाइस, ये काफी अच्छा लग रहा है स्टार्टिंग से। द क्रिस्पर Cas9 सिस्टम इज अ टूल फॉर कटिंग DNA एट अ स्पेसिफिकली टारगेटेड लोकेशन।
The technique has already revolutionized gene editing, but scientists are always looking for new possibilities. So what else can CRISPR do? Since being discovered in a bacterial immune system, CRISPR-Cas9 has been adapted into a powerful tool for genomic research. There are two components to the system, a DNA cutting protein called Cas9, and an RNA molecule known as the guide RNA. Bound together, they form a complex that can identify and cut specific sections of DNA. First, Cas9 has to locate DNA. And bind to a common sequence. और ये चेक करता जाएगा जहाँ इसको पता लगेगा ये फॉरेन चीज़ है या बाहर से आई हुई है, ये अपने काम की चीज़ नहीं है, दिस इज अ वायरस और समथिंग, इसको काट देगा। सीक्वेंस इन द जीनोम कॉल्ड अ पैम। वंस द पैम इज बाउंड, ये तोड़ता भी और ये लगाता भी है। नहीं, ये तोड़ता है, इसके पास अपना एक सैंपल पड़ा हुआ है, ये उसे चेक कर रहा है ओरिजिनल है कि नहीं, ये वाली बात। तोड़ने के बाद हम जो कर रहे हैं वो अपने बारे में, अपने ऊपर है। हाँ, मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ से आया, एकदम से कैसे आ गया, जब पहले नहीं था हमारे पास में। तो देखो, वायरस के साथ में दिक्कत ये होती है कि हमारे पास में इसकी कोई दवाई नहीं है, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि बाकी जानवर वायरस से कैसे लड़ते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो तरीका है वो है बैक्टीरिया का। तो आप बैक्टीरिया ले लो बहुत सारा और उसमें वायरस छोड़ दो, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इज 99% ऑफ द मे बी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 99% ऑफ द बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट वायरस, लेकिन जो वो 1% ऑफ बैक्टीरिया बच रहा है, वो कैसे बच रहा है, उसमें ऐसा क्या क्या हुआ, इम्यूनिटी कैसे आई। तो वहाँ पे हमने जब माइक्रोस्कोप से अंदर जा करके देखा और एक्सपेरिमेंट करे, तो हमको पता लगा कि हर बैक्टीरिया के अंदर क्रिस्पर होता है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्रिस्पर ऐसा होता है जो उस पर्टिकुलर वायरस को पकड़ सकेगा। तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही आपका, जिस फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वायरस, ठीक है, और ये मेरा सेल है, तो ये वायरस इस पर आकर के चिपक गया और इसने अंदर अपना जो था डीएनए डाल दिया। दैट डीएनए इज इंसर्टेड फ्रॉम द वायरस इनटू द बैक्टीरिया। अब तरीके से क्या होना चाहिए ना, कि बैक्टीरिया खत्म हो जाना चाहिए और दैट डीएनए विच इज इंसर्टेड इन द बैक्टीरिया गेट्स कॉपीड अगेन एंड अगेन, और फिर उससे बहुत सारे वायरस बन जाते हैं। ये प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिनके पास में ये पर्टिकुलर क्रिस्पर है, वो जैसे ही फॉरन या बाहर का डीएनए अंदर आएगा, उसको काट देगा। वो उसको काटने के लिए पहले उसको पहचानना पड़ेगा। तो उसको पहचानने के लिए उसके पास पहले से ये कॉपी होना चाहिए इस वायरस की। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है कि एक डायरी बना के चलो, इसमें सारी की सारी वायरस से रिलेटेड बीमारियों के नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ लिखा हुआ है, वो कैसा दिखता है। तो द मोमेंट क्रिस्पर फाइंड्स अ मैच, उसको काट देगा, और द मोमेंट डीएनए इज कट, वो इनइफेक्टिव हो जाता है, वो किसी काम का नहीं। तो यहाँ बैक्टीरिया जिन्होंने इम्यूनिटी डेवलप करी, वो हम समझे, और ये क्रिस्पर को फिर हमने इंट्रोड्यूस करा अपने सेल्स में या दूसरे ऑर्गेनिज्म की सेल। तो हमको ये काइंड ऑफ ए कर्जर मिल गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्रिस्पर की जो मैंने डायरी बताई थी जहाँ पे मैं सारे वायरसेस के नाम लिखता था, मैं वहाँ पे अपना नाम, अपने मतलब का इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा कि वेर यू फाइंड अ ब्लू आई वाला जीन, चेंज इट टू, या कट इट फ्रॉम देयर, कट द डीएनए फ्रॉम देयर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, क्रिस्पर अब जाएगा, अब ये मेरा कर्जर की तरह ये पूरे डीएनए में ढूंढेगा कि कहाँ पे वो ब्लू आई वाला जीन है, और वहां पे वो काट देगा। द मोमेंट इट कट्स इट, मैं क्या करूंगा, अपना सैंपल जो डीएनए जो मैंने बनाया था, जिसमें ब्लू की जगह ग्रीन वाला लगा हुआ है, वो इंट्रोड्यूस कर दूंगा साथ ही साथ में। तो मेरा जो ओरिजिनल मैकेनिज्म है, जो मेरे टूटे हुए डीएनए को रिपेयर करता है, वो क्या करेगा, वो ओरिजिनल कॉपी मान करके मेरी वाली जो कॉपी उसको अंदर डाल देगा। तो आगे से उस डीएनए के अंदर हमेशा ग्रीन वाले या जो भी मेरा फेवरेबल कंडीशन था वो निकले। तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या है, अपने पूरी अपनी टेक्नोलॉजी समझ ली। अब इसमें जब आगे लोग बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, ये कंट्री इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमको पता है कि एक जीन होता है असल में ऐसा, जिसकी वजह से हमको पेन होता है। अफ्रीका में एक बच्चा बीच में भी पैदा हुआ था कुछ टाइम पहले, वो शायद मर चुका है, उसको पेन ही नहीं होता था, उसको उसका हाथ काट दो उसको दर्द नहीं होता था, ठीक है, और वो कुछ ऐसे करतब भी दिखाता था, ही डाइड डूइंग दैट। लेकिन जब उसके डीएनए को सैंपल करा गया, तो वो फिर हमको पता लगा कि देर इज़ अ पर्टिकुलर जीन, दैट इज देर इज़ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, जो कि अगर वहां से निकाल दो तो इंसान को दर्द ही नहीं होता, ठीक है। तो एक कंट्री के लिए मेकिंग ऐसे सोल्जर्स जिनको पेन ही नहीं होता, उनको आप जाकर के कभी टॉर्चर ही नहीं कर सकते, कैन यू इमेजिन। अरे तो सिर्फ सोल्जर्स के भाई, अपन को भी दो यार। हाँ, तो मैं जो बात बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ कि जब जब इन चीजों को फंड किया जाएगा, जब और मे बी अभी किया जा रहा है,
तो इनकी सफाई ऐसे दी जाती है दैट दिस इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, और आप इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते. बट व्हाट विल एक्चुअली हैपन इज कि आप करोड़पति हो, आप जाओगे लैब के अंदर और आप बताओगे कि मेरे को ब्रैड पिट जैसा बच्चा चाहिए एंड दैट कम्स इनटू बीइंग. या आप अंदर जाते हो और आप मे भी समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो और आपको पता है कि लुक्स डोंट मैटर, ब्रेन मैटर. तो आप ऐसा बच्चा चाहोगे जो कि अटेंटिव हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, मतलब मोर इंटेलिजेंट इन सम वे, या उसकी मेमोरी फास्ट, क्योंकि हम वो जीन्स अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? हमको वो चीज़ें पता चल सकती हैं, तो अब हम उनको चेंज कर सकते हैं. तो अब क्या हो रहा है कि हो सकता है, नहीं डेफिनेटली होगा ही, 100,000 साल के अंदर ऐसा होगा कि दीज न्यू म्यूटेटेड बींग्स जो होंगे वो स्पीशी ही अलग हो जाएगी, दैट वी विल नॉट बी एबल टू मेट विद देम. फिर क्या होता है, स्पीशी फिर वो नई स्पीशी आ जाएगी, और वो नई स्पीशी का फिर, क्योंकि जब हमारा ही मकसद सर्वाइवल है, उनका भी मकसद सर्वाइवल है, और एक ही प्लानेट है, वॉर होगा, एक दोनों में से एक को तो दबना पड़ेगा, और दे आर एक्चुअली सुपीरियर बींग्स जो हमने बनाए हैं. तो फिर समझ लो क्या होने वाला है. बहुत इंटरेस्टिंग, बेस्ट बेस्ट, आगे देखते हैं. गाइड आरएनए अनवाइंड्स पार्ट ऑफ द डबल हेलिक्स. The RNA strand is designed to match and bind a particular sequence in the DNA. Once it's found the correct sequence, Cas9 can cut the DNA. Its two nuclease domains each make a nick, leading to a double-strand break. Although the cell will try to repair this break, the fixing process is error-prone and often inadvertently introduces mutations that disable the gene. This makes CRISPR a great tool for knocking out specific genes. But making double-strand breaks isn't all CRISPR can do. Some researchers are deactivating one or both of Cas9's cutting domains and fusing new enzymes onto the protein. Cas9 can then be used to transport those enzymes to a specific DNA sequence. In one example, Cas9 is fused to an enzyme, a deaminase, which mutates specific DNA bases, eventually replacing cytidine with thymidine. ये जो अलग अलग कलर की चमक रहे हैं, these are responsible for the finer features, जो मैंने बताया, blue one. Fair enough, हाँ हाँ हाँ. तो इनमें से कोई एक part बस change करना है आप. और वो फिर mutate हो जाएगा. वो फिर mutate हो जाएगा. तो अभी थोड़ी इस बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं. इसको रोक के रखना image को. हाँ. क्या हो रहा है कि ये जो gene mutation हो रहा है, या हम जो कर रहे हैं mutate, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी तेरी या किसी और की बॉडी में ये करते हैं तो दैट रिमेन्स इन आर बॉडीज, ठीक है. हमारी जो रिप्रोडक्शन वाली जो सेल्स होती हैं, स्पर्म एंड एग्स, उनमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है. तो जो भी आप चेंज करोगे वो मेरे अंदर होगा. तो दो तरीके के चेंजेस हो सकते हैं. तो अभी क्या है, पूरी दुनिया के अंदर ये बात चल रही है कि आप नॉर्मल सेल्स के ऊपर अगर ये आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन करते हो तो दैट इज़ परमिसेबल, ठीक है, एज लॉन्ग एज बहुत ज़्यादा ही गलत नहीं कर रहे हो. लेकिन आपको अपने जर्म सेल्स में, अपने जो रिप्रोडक्शन वाले सेंस हैं उसमें चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट मे लीड टू डिफरेंट स्पीशीज और बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है. वी डोंट नो द इम्प्लिकेशंस, ठीक है. क्योंकि जैसे मैंने वो पेन वाला जीन के बारे में बात करी, देर आर पीपल हु हैव मैनी डिजीजेज जिनकी वजह से उनको 24 घंटे पेन होता है. तो दिस कुड बी अ क्योर फॉर देम, राइट? एक सिंपल एडिशन करना है या एडिटिंग करनी है उनके जीन की, एंड दे विल नॉट फील द पेन. तो वो जिंदगी जो बची है वो आराम से जी सकते हैं. तो इसको पूरी तरीके से हम ऐसे फेंक नहीं सकते, हो ये बहुत ही गलत चीज़ है, दिस विल बी द ब्लैक मिरर सीजन 10 या जो भी है, मान ही, ठीक है. तो ये दिस कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, लेकिन हमको बस ये ध्यान देना पड़ेगा कि मे बी वी आर नॉट डूइंग, वी शुड नॉट बी डूइंग दिस इन आर जर्म सेल्स. क्योंकि एक बार आपने अपनी जर्म सेल में, अगर आप समझ रहे हो मैं जर्म सेल किसको बोल रहा हूँ, अगर आपने एक बार अपनी जर्म सेल में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया तो फिर वो उसके बच्चे में भी अपने आप हो जाएगा और उसके आने वाले सारे बच्चों में अपने आप हो जाएगा, ठीक है. तो मे बी दिस इज परमिसेबल टू मेक सोल्जर्स जिनको दर्द नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए कि उनको बच्चों को भी नहीं होगा, क्योंकि फिर वो चीज़ ही अलग निकल जाएगी, हमारे हाथ के, हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी, ठीक है. अब ये क्या है, मॉडिफिकेशन, जैसे इसने भी बताया कि मॉडिफिकेशन एक्चुअली हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, दे हैपन ऑल द टाइम, ठीक है. तो एक मॉडिफिकेशन हुआ था, मतलब उसको बोलते हैं सिकल सेल, अगर तू गूगल सर्च करेगा तो. हाँ, पहले ये वाला देखते हैं ना, उसके बाद जाएंगे. हाँ. Precise gene editing means you could turn a disease-causing mutation into a healthy version of the gene, or introduce a stop codon at a specific place. But it's not all about gene editing.
Several labs have been working on ways to use CRISPR to promote gene transcription. They do this by deactivating Cas9 completely, so it can no longer cut DNA. Instead, transcriptional activators are added to the Cas9 by either fusing them directly or via a string of peptides. Alternatively, the activators can be recruited to the guide RNA instead. These activators recruit the cell's transcription machinery, bringing RNA polymerase and other factors to the target and increasing transcription of that gene. The same principle applies to gene silencing. A CRAB domain fused to the Cas9 inactivates transcription by recruiting more factors that physically block the gene. A more outside-the-box idea for using CRISPR is to attach fluorescent proteins to the complex so you can see where particular DNA sequences are found in the cell. This could be useful for things like visualizing the 3D architecture of the genome, or to paint an entire chromosome and follow. यार ये ज़ूम क्यों नहीं हो रहा, रुक जा। दिस टाइप ऑफ एनिमेशंस नीड टू बी मोर। ये एनिमेशन काफी सही थी इसकी, काफी अच्छा। क्रिस्पर इज बेटर देन टम्बलर। ये राहुल परियार को देखेंगे एज अ 3D आर्टिस्ट, आई फील इट्स ऑसम टू सी दिस टाइप ऑफ एनिमेशंस। द फ्यूचर इज एवर ग्रोइंग, हाउ इग्नोरेंट आर पीपल सेइंग वी डिस्कवर्ड ऑल वी पॉसिबली कैन। और हमारे पास एंटी मास्कर्स है भाई। Fuck यार, क्या चल रहा है, I don't understand, but this is something cool. Nice. तो यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं अपन को, स्ट्रीम जल्दी एंड भी करना होगा क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर अपन बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स भी थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए हम, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बात चली है तो कर ही लेते हैं इसके ऊपर। जैसे अभी हमने जो जितनी एक बात करी ना कि वी आर गोइंग बहुत ही डिस्टोपियन एरा होने हो सकता है अगर हम एक दूसरे को हमने नहीं संभाला तो वॉट इज हैपनिंग इज हम, तू अगर ध्यान देगा, हम जिस चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं ना वो आर्टिफिशियली सिलेक्टेड है, मतलब हम फील करते हैं दैट इज बेटर तो हम उसको आगे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बट दैट नॉट माइट बी द केस, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल एक बीमारी होती है सेल की जो जेनेटिक होती है, यू बॉर्न विद दैट डिजीज, सिंपल मैं समझाता हूँ, उसको बोलते हैं सिकल सेल डिजीज। आपने सबने रेड जो अपनी हेमोग्लोबिन सेल होती है उसका फोटो देखा है, गोल होती है विद अ डिप बीच में जिसमें वो ऑक्सीजन लेकर सप्लाई करती है। तो सम ह्यूमंस आर बॉर्न विद सिकल सेल डिजीज, इसमें क्या है वो पूरा सर्कल नहीं होके सेमी सर्कुलर होती है चांद की जैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसकी सेल ही ऐसी बन रही है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी मतलब जो फैक्ट्री है जो जो उसका सैंपल पड़ा है सेल का वही डैमेज्ड है, तो वो आगे जितनी बन रही है वो सब डैमेज बन रही है, ठीक है। अब ये डैमेज सेल के साथ ऑब्वियसली दिक्कत ये है कि ये ठीक से ऑक्सीजन ना तो पकड़ पाएगी ना ये पहुंचा पाएगी, तो जिस बंदे को भी ये डिजीज है वो बहुत ज़्यादा अनईजी और मतलब सांस भर जाएगी उसकी, थकावट सी रहेगी उसको, ठीक। अभी हमने राइट नाउ वी हैव ऑल दिस टेक्नोलॉजी और एक क्रिस्पर वगैरह लगा करके हमने ये पहचान लिया कि यहाँ पे ये वाला जीन अगर ठीक कर दोगे तो ये बंदे को अब जो आगे कॉपीज बनेंगी दैट विल बी ऑल राइट और ये ठीक हो जाएगा, तो वाई नॉट डू दैट, ठीक। अब हमने क्या करा, हमने एशिया वाइड, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ पे हमने सर्वे करा और पता चला कि 80% से ज़्यादा लोगों को सम अमाउंट ऑफ सिकल सेल डिजीज है और वो सिकल सेल डिजीज इज फेवरेबल क्योंकि इस एरिया में मलेरिया बहुत ज्यादा होता है। मलेरिया डायरेक्टली ब्लड से होता है हमारा, तो अगर ब्लड ही थोड़ा सा इनइफेक्टिव होगा तो मलेरिया कम फैलेगा, ठीक है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मे बी थिंग्स दैट वी फील आर फेवरेबल या गुड माइट नॉट एक्चुअली बी गुड, तो मे बी हैविंग सम फॉर्म ऑफ सिकल सेल डिजीज फेवरेबल बीइंग इन दिस प्लेस, यहाँ पे भी हमको थोड़ी बहुत भी बात करनी पड़ेगी, ये वो इम्परफेक्शंस वाली चीज हो गई। हाँ, वी डोंट नो व्हाट इज गुड, तो वो मे बी लेट अस लीव दैट टू नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा है, तो वी विल नॉट स्टॉप। अभी हम दोबारा से वापस जाते हैं अपने एवोल्यूशन वाली बात पर, मे बी एंडिंग में अपन बात कर लेते हैं होमो सेपियंस और इंसान वगैरह सब, ये वाला तो ये थोड़ा जल्दी एंड करना होगा स्ट्रीम क्योंकि मेरे बैक टू बैक स्ट्रीम्स हो गए, काफी बात कर ली हमने, काफी लोग समझ में, ये वाला लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें तो अपन आगे डेफिनेटली करेंगे। तो एक लास्ट कोई टॉपिक उठा जो जैसे अपन यही होमो सेपियंस वाली बात करते हैं ना, जो लोग बोलते हैं कि इंसान बंदर से और बंदर इंसान से और चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते,
लाइक फॉर एग्जांपल अगर तू भी सर्च मारेगा एवोल्यूशन की इमेजेस को, तो काफी फेमस इमेज आएगी, वो चार पैर पे बैठा हुआ बंदर, उसके बाद में दो पैर पे आता हुआ, उसके बाद में खड़ा होता हुआ, उसके बाद में प्रिमिटिव टूल्स के साथ में, उसके बाद में एक इंसान जो आज के जमाने का है वो दिख जाएगी तेरे को फोटो, या सम फॉर्म ऑफ दैट फोटो. एक सेकंड रुक. एवोल्यूशन, एवोल्यूशन और आगे ह्यूमंस डाल दे. हाँ आ जाएगी. हाँ ये वाली फोटो, कोई से भी इसमें से फोटो कर ले. ठीक है, तो हमने इन सबने फोटो देखी है. अब दिक्कत ये है कि ये फोटो पूरी तरीके से गलत है. क्यों? ठीक, गलत इसलिए है कि ये फोटो ये बताती है कि द बीइंग स्टैंडिंग बैक इज द सोर्स ऑफ द बीइंग स्टैंडिंग फॉरवर्ड. राइट, यहां तक हम समझते हैं शायद, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक, क्या हो रहा है कि ये सारी की सारी जो स्पीशीज जितने भी दिख रहे हैं, ये एक्चुअली एक लाइन में नहीं होकर के ये ऐसे लाइन में खड़े हुए हैं, और उनके पीछे जो एंसेस्टर खड़ा हुआ है वो एकदम ही अलग है इन सब से, सॉरी सिमिलर है इन सब से. ठीक है, जैसे तू अगर हल्का सा जो अपना सबसे आगे वाला इंसान जैसा दिख रहा है यूजिंग दो टूल्स और बूट्स और कपड़े वपड़े पहने हुए उसने, उससे जो एक नंबर पीछे वाला है, तो आई डोंट नो स्पेसिफिकली ये वही है कि नहीं है, बट आई एम 99% श्योर ये नियंडरथल है. ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ नियंडरथल, क्योंकि देर वॉज अ टाइम अराउंड 40,000 ईयर्स बैक जब इंसान और नियंडरथल एक साथ रहते थे, एक साथ इन द सेंस एक टाइम में थे. तो इफ यू कुड गो बैक एट दैट टाइम ऑन अर्थ, तेरे को नियंडरथल भी मिलेगा, तेरे को इंसान भी मिलेगा. फक. ठीक है, तो ये दोनों रह रहे हैं और ये कभी मिलते भी होंगे, हो सकता है इनमें झगड़े होते होंगे, मे बी इन्होंने रिप्रोड्यूस करने की भी कोशिश करी थी, क्योंकि अभी आज के टाइम पे ऑन एन एवरेज हर इंसान के अंदर 3% नियंडरथल डीएनए है, 3%. ठीक है, तो द नियंडरथल्स आर इनसाइड अस. अब तो उससे पहले वाला जो 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 तेरे को चिंपैंजी दिख रहा है उसका कुछ और नाम है, आई डोंट रिमेम्बर दैट. दैट टू एग्जिस्टेड अलोंग विद बोथ ऑफ दीज, मैनकाइंड और नियंडरथल्स. ठीक है, अब ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम यहाँ हैं अभी तो नियंडरथल को क्या हुआ. ठीक है, तो नियंडरथल हमको कहाँ पे मिलते हैं, हमको वहां जाना पड़ेगा. नियंडरथल हमको मिलते हैं यूरोप और रशिया चाइना इस तरफ में, जो बर्फीला इलाका, जो ऊपर की तरफ का इलाका है वहां के, तो देवर एक्चुअली द स्नोमैन. ठीक है, और इनके पास में फायर थी, इनके पास में कपड़े थे, इनके पास टूल्स थे, इवन वो ये जो बोन पकड़ी हुई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले के टूल स्टोन से बनते थे, उसके बाद में द मोमेंट वी बिकेम थोड़ा बहुत और मेच्योर, तो हमको पता है बोन इज अ बेटर इक्विपमेंट फॉर मेकिंग टूल्स, तो बोन भी उन्होंने यूज करी थी. तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज फिर कुछ सालों बाद में अराउंड 40,000 ईयर्स के बाद में दे वर एक्सटिंक्ट. काफी लोग बोलते हैं जेनोसाइड हुआ था, दैट मैनकाइंड थॉट कि अगर नियंडरथल को जिंदा रहने दिया जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे, तो सब ने बोला जय माता की अल्लाह अकबर और जाओ मारो इनको. तो मे बी दैट हैपेंड, वी डोंट नो. ठीक है, कोई सबूत नहीं है, और मे बी हैबिटेट एकदम चेंज हो गया एंड दे कुड नॉट सर्वाइव. तो वॉट एवर वॉज द केस, दे एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेड विद अस. इनफैक्ट इंसान जिस प्रजाति से आया है, जो जो कॉमन एंसेस्टर है, हैड मोर देन 5 स्पीशीज. उन 5 में से एक होमो सेपियन सेपियन हमारा वाला है, बाकी चारों की चारों खत्म हो गए. ठीक है, तो ये जो पीछे जो बंदर खड़े हुए हैं ये एंसेस्टर नहीं है हमारे, जो वो उन 5 के पीछे खड़ा था वो एंसेस्टर है हमारा. ये सब वो है, ये सब हमारे से मतलब कजन्स टाइप मान ले एक तरीके से. हाँ एग्जैक्टली, ये सब कजन्स हैं, क्योंकि अगर चिंपैंजी इंसान बन गए तो अभी चिंपैंजी क्या कर रहे हैं फिर. हाँ. लोग ये भी तो पूछते हैं कि फिर अभी क्या कर रहे हैं ये लोग चिंपैंजी वगैरह, तो वो यही खेल है कि चिंपैंजीज का भी एक कॉमन एंसेस्टर था, तो चीजें ऐसे फैल रही हैं, आगे नहीं जा रही हैं, एक के बाद एक चीजें ऐसे फैल रही हैं. बहुत ही तगड़ा पॉइंट ब्रो, सीरियसली. क्योंकि चिंपैंजीज आगे जाएंगे तो उनका चिंपैंजी एवोल्यूशन में कुछ आएगा, वो मतलब चिंपैंजी डजंट कन्वर्ट टू अ ह्यूमन. हाँ बिल्कुल, और ये फोटो एक तरीके से इनकम्प्लीट है बिकॉज एवोल्यूशन इज स्टिल हैपनिंग. बहुत ही मिसलीडिंग फोटो है यार ये, तो बहुत ही मिसलीडिंग फोटो. तूने देखा होगा बचपन से अपन यही फोटो देखते हैं और ये मान लेते हैं हम. हाँ, क्योंकि ये तो हो ही नहीं रहा है बेसिकली, ये हो ही नहीं रहा है, ये बस समझाने के लिए है कि दीज आर स्पीशीज विच केम फ्रॉम अस एंसेस्टर जो कि कॉमन था. यहाँ बात चल रही है, हम इन सबकी हड्डियां, इन सबके टिश्यू, इन सबके डीएनए को अगर देख करके
एनालाइज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि दे हैव 95% थिंग्स इन कॉमन, 5% सबका अलग अलग डिफरेंस है, जो कि वो अब डिफरेंस उनके अपीयरेंस में लेके आता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी अराउंड 10 इयर्स बैक हमने चिकन के साथ में अपना डीएनए कंपेयर करा तो हमको पता चला कि 98% सेम है. फिर हमने थोड़ा बहुत अपने सामान को अच्छा ठीक करा तो हमको पता लगा कि 95% है. और आज हम जितना इक्विपमेंट को और एक्यूरेट बना चुके हैं तो हमको पता है कि अराउंड 92-93% कॉमन है. तो थैंक गॉड कि हम ज़्यादा कॉमन नहीं है चिकन के. ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें सिमिलर निकल के आई हैं, आज हमारे पास में उनके सबूत हैं. तो ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज अ थ्योरी, इट इज़ एक्चुअली अ साइंटिफिक थ्योरी. इसका मतलब है कि दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल थिंग दैट कुड हैपन, एंड अनटिल कोई एक ऐसा एविडेंस आता है जो उसको डिसप्रूव करे, आपको ये मानना ही है क्योंकि यही फैक्ट है. काफ़ी कूल यार, काफ़ी कूल. मैं तो सोच रहा था भाई आज का स्ट्रीम बोरिंग सा होगा, ये जीन और ये सब पढ़ के तो मैं मतलब बिल्कुल ऐसे चौकन्ना हो गया, मतलब लाइक लिटरली फक मैन, दिस वाज सो कूल. एंड देखो क्या लगता है हमने कितना कवर किया टॉपिक, 10% 20% कितना जितना 20% मान लो. हाँ कर सकते जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टॉपिक बात करते हैं, खुशखबरी काइंड ऑफ चीज वाली बात है कि HIV हमको पता है बीमारी है, वायरस वाली बीमारी है, ठीक है, इम्यून सिस्टम की बीमारी है एंड ऑल दैट, और हमारे पास ऑलमोस्ट कोई दवाई नहीं है. आई बिलीव यूरोप में एक पहला बंदा है इंडियन डिसेंट का जो कि ठीक हो गया है, ही इज़ द फर्स्ट ह्यूमन एवर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री जो कि HIV पॉजिटिव था और बाद में नेगेटिव हो गया. ठीक है, लेकिन हमने क्या करा ना कि क्योंकि हम अब उसका जीन, हम उसका DNA जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हमको पर्टिकुलरली वो जीन मिल चुका है जिसकी वजह से HIV हो सकता है. तो द मोमेंट यू कुड मॉडिफाई दैट, आप पूरी इंसानियत से HIV का खतरा ही मिटा सकते हो. तो यू कुड इमेजिन इसकी कितने बड़े इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं. जो लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, डिजाइनर बेबी वाली चीज़, माइंड ब्लोइंग चीज़ है, मतलब ये दुनिया ख़त्म भी कर सकती है, तो ये दुनिया अच्छी भी कर सकती है अगर इसको ठीक से यूज़ किया जाए. इट्स सॉर्ट ऑफ अ सुपर पावर. आज हम हमारे बच्चे कैसे होंगे ये कंट्रोल कर सकते हैं. इट्स नॉट अ चांस, ऐड टू कार्ट होगा भाई, ऐड टू कार्ट. हाँ बिल्कुल भाई, मैं बता रहा हूँ. और अभी ये मे बी ब्लैक मार्केट में चल रहा होगा बहुत ही ईजिली. आई एम नॉट अक्यूजिंग एनीबडी ऑफ एनीथिंग, लेकिन आज के टाइम पे जब ये सब चीज़ें थ्योरी पॉसिबल हैं तो इनके साइंटिस्ट वगैरह पॉसिबल हैं. एंड इफ यू कुड हैव द मींस और रिसोर्सेज हैं तो आप जाकर के बात कर सकते हो, क्योंकि यू कुड एक्चुअली गो एंड टेस्ट की, और जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है आप उसको टेस्ट करके पता कर सकते हो वेदर दैट किड विल हैव दिस डिजीज और नॉट. तो अगर वो बच्चे को वो डिजीज है तो मे बी यू कुड टेक अ डिसीजन देन एंड देयर. आप लक पे नहीं चलोगे ना. तो ये वाली चीज़, मे बी दैट विल बी हेल्पफुल. लेट्स होप सब ठीक होगा. लेट्स होप मैन. एंड लाइक इसके और एपिसोड्स करेंगे, लोगों के कमेंट भी आए मोहित सिंह का, प्लीज कंटिन्यू दिस सीरीज. कमेंट्स वगैरह तो ज्यादा नहीं पढ़े मैंने, भी अभी ऊपर से ही पढ़े, बट तू देखना. एंड अभी के लिए हम ये एंड करते हैं गाइस स्ट्रीम. मतलब अगर इफ यू वांट टू रीड एंड नो मोर अबाउट दिस तो आप जो है ऑब्वियसली चार्ल्स डिकिंस की बुक तो पढ़ ही सकते हो, आप चार्ल्स डार्विन की ना आप भी पढ़ सकते हो. चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ सकते हो, वो थोड़ी पुरानी हो गई. आप रिचर्ड डॉकिंस की किताब पढ़ सकते हो, ठीक है, और एक वो भी जो है द सेल्फिश जीन. सेल्फिश जीन इसी की है, रिचर्ड डॉकिंस की. हाँ. और जो मैंने जो किताब पढ़ी थी दैट वाज फ्रॉम कार्ल सेगन. वो बंदे ने मोटा मोटा तो एवोल्यूशन की बात नहीं करी थी. का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को यार, काफी पतली सी किताब है, अमंग द गार्डन्स ऑफ ईडन. हाँ. सर्च मारना, कार्ल सेगन एंजल्स ऑफ ईडन या गार्डन्स ऑफ ईडन ऐसा कुछ करके किताब है. गार्डन्स ऑफ ईडन कार्ल सेगन लिखा है. ड्रैगन्स ऑफ ईडन, सॉरी. ठीक है, ये काफ़ी अच्छी किताब है फॉर अ सॉफ्ट इंट्रोडक्शन टू द थिंकिंग ऑफ एवोल्यूशन वाली बात. बंदा काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताता है. पहला पन्ना पढ़ोगे आपको मज़ा आएगा इस किताब का. आई एम नॉट सेइंग कि ये एवोल्यूशन की बात हो रही है, बट ये आपको प्रिपेयर करेगा टू स्टार्ट थिंकिंग इन दिस वे. तो हाँ मज़ा आया, काफ़ी सही था यार. एंड गाइज चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, अभी 1000 करने जल्दी से, और जैसे ही 1000 करोगे फिर बहुत सारी नई चीज़ें करेंगे. एंड तैयब का भी नया चैनल आ रहा है, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे बहुत जल्दी.
तो डू सब्सक्राइब यार, आप देख रहे हो लाइक मज़ा आ गया, कितने रात के 1:40 हो रहे हैं यार, आप लोग देख रहे हो, काफ़ी कूल काफ़ी 17 लोग, कूल। 17 लोग नहीं जा रहे घर, हाँ ये नहीं मानते भाई 17 लोग। सही है सही है सही है। चलो तो चलो वील भाई, एंड द स्ट्रीम नाउ गाइस, करते हैं आराम से। मास्क पहनो, चलो टेक केयर, सब बढ़िया, बाय टेक बाय। केयर गाइस, मास्क पहनो।